सैमसंग ने एम सीरीज में और एक नया फोन को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम रखा है सैमसंग गैलेक्सी M34। बेस वेरिएंट का प्राइस है 19,000 रुपीस और उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा सा स्पेसिफिकेशन के साथ फोन आ रहा है। लेकिन ये फोन लेने के लायक है कि नहीं, चलिए वो पता करते हैं इस वीडियो में। जब इसके बॉक्स को आप ओपन करोगे, इसमें फोन मिलता है, सिम इजेक्टर पिन है, टाइप सी टू टाइप सी का केबल है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि इस फोन को अगर आप लेते हो तो बाहर से आपको चार्जर को परचेस करना होगा, उसका प्राइस भी इस फोन के साथ आप ऐड कर देना। देखो भाई, फोन देखने में तो काफी खूबसूरत है लेकिन ये फोन थोड़ा सा भारी है, 209 ग्राम तक चला जाता है और हाथों में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील देता है। ऐसे भी इसका फ्रेम जो है थोड़ा सा मोटा है, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, इसके पीछे की तरफ भी पॉलीकार्बोनेट यूज किया है जिसमें ग्लॉसी फिनिशिंग है, इसके वजह से क्रैशेस तो नहीं आता है लेकिन फिंगरप्रिंट का निशान बहुत सारी चला आता है। देखो भाई, इसका कैमरा का बाम इतना ज्यादा बाहर नहीं हुआ है, फोन थोड़ा मोटा और भारी होने की वजह से आप एक हाथ में इतनी आसानी से यूज नहीं कर पाओगे। हाँ भाई, थोड़े दिन इसको अगर आप यूज करो तो इसका आदत आपको पड़ जाएगा। ऐसे भी इसमें वाटर ड्रॉप नॉच है, यू शेप में आता है, डिस्प्ले का बेजल और नीचे जो चेन भाई थोड़ा सा मुझे एवरेज लगा है। बाकी इसमें 3.5 ऑडियो जैक है, उससे साउंड भी बहुत ही अच्छा आता है लेकिन फोन आता है सिंगल स्पीकर के साथ, ये बात आपको थोड़ा याद में रखना होगा। लाउडनेस जबरदस्त मिल जाता है और फुल वॉल्यूम में म्यूजिक सुनोगे। फोन का बैक पैनल वाइब्रेट नहीं करता है लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर होता तो भाई मजा ही आ जाता। बात रही इसके डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले का साइज तो दोस्तों इसमें एवरेज रखा है लेकिन इसमें यू शेप नॉच है, यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। 6.5 इंच फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ सुपर एमोलेड पैनल है, डिस्प्ले का क्वालिटी मुझे जबरदस्त लगा है। लेकिन अब इसमें यूट्यूब में फुल एचडी 60fps में कंटेंट कंज्यूम कर पाओगे, क्वालिटी इसका जबरदस्त है भाई, मूवी देख के आपको मजा आएगा। बाकी इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, स्मूथनेस बराबर फील होगा, 1000 निट्स का बिग ब्राइटनेस है, इंडोर आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में इसको आप आराम से यूज कर सकते हो। डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है तो भाई कोई भी टेंशन नहीं है, यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास भी है। बाकी इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट है, आप इसमें एसडी कार्ड को यूज कर पाओगे। 11 बैंड्स 5G के साथ आ रहा है, इंपॉर्टेंट 5G बैंड्स का सपोर्ट भी है, 4G प्लस कंटिन्यू मिल जाता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी लेकर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 12 माइक के साथ आता है, इसमें सैमसंग का डायलर है, चुपके से आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा। देखो भाई, सैमसंग का फोन ज्यादा सिक्योर होता है इसलिए तो इस फोन में नॉक्स सिक्योरिटी मिलता है। इस नॉक्स सिक्योरिटी में जो सारा ऐप रहेगा उसको आप अलग अकाउंट से रन कर सकते हो और बाहर में जो सारा एप्लीकेशन रहेगा उसको भी आप अलग अकाउंट से रन कर सकते हो। ऐसे भी इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर्स मिलता है, लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 के साथ आ रहा है और इसमें जो सैमसंग का UI मिलता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन भाई प्री इंस्टॉल ऐप के साथ आता है, जिसको आपको पसंद नहीं है उसको आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हो। बात रही UI फीचर्स के बारे में, इसमें ढेर सारी फीचर्स भी मिलता है, अगर आप इसकी हिडन फीचर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इसका टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो ऑलरेडी मेरे सेकंड चैनल में अपलोड हो चुका है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिलेगा दोस्तों। वो वीडियो अगर आप देख लेते हो तो इस फोन को आप प्रो यूजर की तरह यूज कर पाओगे। इसमें 4 साल का OS अपडेट मिलेगा क्योंकि इस फोन को आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज भी कर सकते हो। सैमसंग का फोन है भाई, कैमरा के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, इसका जो प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल, जिसमें OIS भी है। हाँ जी दोस्तों, इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है और 2 मेगापिक्सल भी है। इसकी 50 मेगापिक्सल से बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर पाओगे दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए जो स्काई का कलर है, फोन कितनी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहा है, जो देखने में काफी प्यारा सा लगता है। इसमें पेड़ पौधा का फोटो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें कलर कंट्रास्ट और डिटेलिंग भाई मस्त आ रहा है, मुझे तो लग रहा है ये फोन 20,000 के अंदर सबसे अच्छा कैमरा फोन होगा। स्किन टोन को भी अच्छी तरीके से मैनेज करता है, फोटो में जो डायनामिक रेंज है उसको भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। ऐसे नहीं भाई, कलर को बूस्ट कर दे रहा है, कलर टोन को ये फोन जो है एवरेज रखता है। 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, बैक कैमरे की तरह ये फोन भी अच्छी तरीके से स्किन टोन को मैनेज कर लेता है। इसमें डिटेलिंग भी मस्त आ रहा है, कुछ फोटो में जूम करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए जो डिटेलिंग है भाई कितना अच्छा आ रहा है। फोटो में डायनामिक रेंज को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है, प्रोटीन मोड में SD डिटेक्शन को भी ठीक ठाक तरीके से मैनेज कर लेता है। बाकी इसकी बैक कैमरा से आप 4K में 30fps में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, सेल्फी कैमरा से आप फुल HD में 30fps में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। कलर की तरफ देखो भाई, कलर यहाँ पर कितना अच्छा आ रहा है। इसमें स्टेबिलाइजेशन ठीक ठाक मिल जाता है क्योंकि इसमें OIS भी है और ऑटो फोकस इसमें बहुत ही फास्ट है, सेल्फी कैमरा से भी आप अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर आप मोबाइल से फोटोग्राफी करना चाहते हो, आपका बजट बहुत ही टाइट है तो इसका कैमरा आपको जरूर पसंद आएगा। ये फोन OTG को सपोर्ट करता है, इसमें NFC भी है। बारिश के टाइम में सैमसंग M34 लॉन्च हो चुका है लेकिन इसमें IP रेटिंग नहीं मिल पाए, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करना होगा।
बात रही इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, इसमें सैमसंग का खुद का चिपसेट मिलता है, एक्सिनोस 1280 5 नैनोमीटर का चिपसेट है। मेरे टेस्टिंग में इसका अंतुतु स्कोर निकल कर आया है 484,000 प्लस। उसके हिसाब से एक नॉर्मल यूजर के लिए मस्त फोन है दोस्तों, कभी भी हैंग नहीं करता है। यहाँ पर ऐप ओपनिंग बहुत ही फास्ट है, ऐप ओपन ऐप क्लोज में जो एनिमेशन है वो स्मूथली काम करता है। अगर आप नॉर्मल यूजर हो, लॉन्ग टाइम यूज करते हो, तो ये फोन कभी हैंग नहीं करेगा। ऐसे भी इसमें LPDDR4X का रैम है, UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। रैम मैनेजमेंट में मुझे बहुत ही अच्छा मिला है, मेरे पास इसका बेस वेरियंट 6GB 128GB वेरियंट। बाकी दोस्तों इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो अगर आप बीजी में जैसा ऐसी पावरफुल गेम खेलना चाहते हो तो आप 30 FPS में खेल पाओगे। इसमें FPS का सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन 30 FPS के हिसाब से जो गेम प्ले मुझे मिला है भाई लाजवाब है। इसमें जायरो का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा मिलता है। अब इजिली दोस्तों इस फोन में हल्का फुल्का गेम खेल सकते हो, लेकिन इस फोन में आपको थोड़ा सा हीटिंग इशू महसूस होगा। अगर आप कैमरा से 1 मिनट से ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो इसके कैमरा के आसपास में फोन जो है हल्का सा हीट होता है। अगर आप 2-3 मैच गेम प्ले करते हो तो ये फोन हल्का सा हीट होता है, लेकिन इस हीट को टेस्ट करने के लिए जब मैंने सीपीयू थ्रॉटलिंग को रन किया, अब यहाँ देख लीजिए बहुत ही अच्छा सा परफॉर्मेंस निकल कर आ रहा है और इसमें रेड ग्राफ भी नहीं है। बाकी ये फोन 6000 mAh बैटरी के साथ आ रहा है, लेकिन इनबॉक्स चार्जर के साथ नहीं आता है। फास्ट चार्जर 25 वाट का जो सैमसंग का फास्ट चार्जर है उसको सपोर्ट करता है, चार्ज होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेता है। लेकिन दोस्तों ये फोन अगर आप एक बार फुल चार्ज हो जाता है तो जितना मर्जी यूज करो भाई सारे दिन का इसका बैटरी बैकअप मिल जाता है। कंक्लूशन की बात किया जाए तो दोस्तों जो सारा यूजर सैमसंग का फोन को पसंद करता है वो इतना ज्यादा हेवी में गेम प्ले नहीं करता है। दोस्तों अगर आप हेवी में गेम प्ले नहीं करते हो तो ये फोन अंडर 20,000 rupees में बेस्ट फोन बन जाता है। ऐसे भी इसका सारा प्रोस एंड कॉन्स मैंने आपको बता दिया, अभी आप अच्छी तरीके से तो डिसाइड कर पाओगे ये फोन आपके लिए कैसा हो रहा है। तो आपको ये फोन कैसा लगा है, ये फोन लेने के लिए सोच रहे हो कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सैमसंग गैलेक्सी M34 का टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए।